सब्सक्राइब चैनल एंड द गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर YouTube चैनल सर अब्दुल सत्तार खान 9th क्लास इंग्लिश हेलेन केलर एंड एनिस एनिसन इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज क्वेश्चन आंसर्स लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स ये दिए गए जो स्टेटमेंट्स है जुमले है सही है या गलत है ये लिखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन हेलन केलर्स लाइफ वॉज वेन हर टीचर केम टू हर यानी सबसे अहम दिन कौन सा था हेलन कैलर की जिंदगी में जब उनकी टीचर आई थी ट्रू हेलन केलर्स टीचर वॉज एन एस उलेवन हेलन की हेलन कैलर के टीचर का नाम क्या था एन एस उलेवन ट्रू हेलन वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री डम्ब एंड एक्सपेक्टेंट हेलन केलर दरख्त के पास खड़ी थी खामोश फॉल्स इट वॉज इवनिंग मैंशनड इन द पैसेज यानी पैसेज में शाम का जिक्र था फॉल्स हेलेंस फिंगर्स लिंगर्ड और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली हेलन केलर की जो उंगलियां हैं वो बेरबती से बेशौरी से चल रही थी ट्रू क्वेश्चन नंबर टू ए व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हर सेल्फ टू यानी जो मुसनफ है वो कैसे कंपेयर कर रहे थे द ऑथर कम्पेयर हरसेल्फ टू अ शिप डेट इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट्स वे टोर यूजिंग प्लम्प यूजिंग अ प्लम मेट एंड साउंड लाइन थ्रू अ डेंस वाइट फ्रॉक शी कम्पेयरस हर डिसबलिटी टू द वाइट डार्कनेस ऑफ द फॉक अब इसमें जो आ, नरेटर है ऑथर है राइटर है वो इसको किस चीज़ से तस्वीर दे रहे थे वो एक कश्ती से जो बहुत बड़ी धुंध से डेंस फॉक से गुजर रही थी ये तलफ़ दुरुस्त कर लीजिए फ़्रॉग हो गया है फॉग की जगह फॉग यानी धुंध और वो अपनी जो डिसेबिलिटी है उसे वो अंधेरे और फॉग से तजबी दे रही थी क्वेश्चन नंबर टू का बी है वाट द बैरियर्स ड्यूरिंग हेलन कैलर्स एजुकेशन हाउ कुड दे बी रिजॉल्ड कौन सी रुकावटें थी हेलन कैलर की तालीम में और वह कैसे हल की गई द इमोशनस एंड माइंड ब्लॉक एज वेल एज़ फिज़िकल डिसबलिटीज़ ऑफ़ दलन ऑफ हेलन केलर ब्लाइंडस एंड डीफनेस वेर द बैरियर्स देड बी स्विफ्ट अवे विद द टीचिंग्स ऑफ हर टीचर मिस टू लेवन यानी जो जज्बात थे और जहन में जो रुकावटें थी उसके साथ साथ जो जिसमानी मजूरीत थी फिजिकल डिसबलिटीज़ थी और उसके बाद ब्लांनेस यानी अंधापन एंड डीफनेस और बहरापन ये तमाम रुकावटें थी हेलन केलर की पढ़ाई में और वो मिस सलेवन के आने से उनकी तालीम से ख़त्म हुई क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड यंग हेलन केलर फील रेपेंटेंस एंड सोरो क्यों नौजवान हेलन केलर को uh, उदासी और मायूसी महसूस हुई हेलन रियलाइज डेट सुलेवन वॉज ट्राइंग टू टीच हर द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉल एंड अंडरस्टूड डेट शी हैड ब्रोकन द डॉल आउट ऑफ इग्नोरेंस शी वॉज अनेबल टू पुट टुगेदर ब्रोकन पीजिस सो शी फेल्टैड अबाउट इट हेलन को समझ में आ गया था कि उनकी टीचर सुलवन उन्हें गुड़िया डॉल का मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी और वो समझ गई थी चूंकि वो डॉल यानी गुड़िया तोड़ चुकी थी लाइलमी में इग्नोरेंस में इसी लिए उसे उसके टुकड़े जोड़ कर समझने की कोशिश कर रही थी क्वेश्चन नंबर फोर है पर्सनल रेस्पॉन्स। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ़ योर स्कूल हाउ डू यू फील एट दैट टाइम क्या आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है और उस वक्त आपने क्या महसूस किया था आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बट वैन माई टीचर के एम स्माइलिंग एंड ग्रीटेड ऑल स्टूडेंट्स आई वॉज वेरी डिलइटेड मुझे याद है मेरे स्कूल का पहला दिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था लेकिन जब टीचर ने मुस्करा कर आकर मुस्कराते हुए आए और सबको मुबारकबाद दी तो मुझे बड़ी खुशी हो गई थी इज़ इट पॉसिबल टू टीच अ ब्लाइंड पर्सन क्या ये मुमकिन है कि किसी अंधे शख्स को पढ़ाया जा सके यस yes, डेफिनेटली हाँ मुमकिन है वी कैन गिव अ थिंग ऑन अ ब्लाइंड हैंड टू टच हम किसी अंधे को कोई चीज़ दे सकते हैं ताकि वो उसे छू सके आफ्टर टचिंग ही कैन अंडरस्टूड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट उसे छू कर वो उस चीज़ को समझ सकता है ब्रायल लिपि इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ब्लाइंट्स लर्निंग ये ब्रायल लिपि एक जबान है जो अंधों को सिखाई जाती है दे लर्न इट एंड एक्वायर्स अदर आर्ट स्किल्स वो इससे दूसरी चीज़ें भी सीख सकते हैं लिसन केयरफुली एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू वन एंड मैनी डे कॉन्ट्रास्ट टीचर लाइव मंथ्स ईयर्स आफ्टरनून पोर्च साइंस फेस फिंगर्स लीव ब्लॉसम्स एंगर बिट्टरनेस वीक्स स्ट्रगल शिप डार्कनेस अब ये वन वाले जो वर्ड है ये डे टीचर आफ्टरनून पोर्च फेस एंगर बिट्टरस स्ट्रगल शिप और डार्कनेस ये वन है और मैनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव मंथ्स ईयर्स साइंस फिंगर्स लीव्स ब्लॉसम्स एंड वीक्स यहाँ कुछ नरेटिव दिया गया है आपको क्वेश्चन बनाना है आ, ये सॉरी यहाँ पर एक नरेशन दिया हुआ है उसमें यूजिंग आई दिया हुआ है तो आई को आपने हेलन केलर या यंग हेलन ये वर्ड यूज़ करके इस्तेमाल करके आपने बयान करना है कहाँ पर इस्तेमाल किया है आई डिड नॉट नो वाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी तो यहाँ पर आई हेलन केलर के लिए यूज़ हुआ है द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर कम शेयल शील लीड मे इंटू हर रूम एंड गेव मी डॉल माई ये हेलन केलर के लिए और मी भी हेलन केलर यानी हर के लिए इस्तेमाल हुआ है ऑन एंटरिंग द डोर रिम्बर द डॉल आई हैड टेकन आई यंग हेलन केलर के लिए यूज़ हुआ है और आई को आप शी भी यूज़ कर सकते हैं देन माई आईज फिल्ड विद टीयर्स फॉर आई रियलाइज डैट आई रियलाइज वट आई हैड वट आई हैड डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रेपेंटेंस एंड सॉरी माई हर के लिए यूज़ हुआ है आई हेलन केलर के लिए यूज़ हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फ्रेम द एटलीस्ट टू रिलेवेंट क्वेश्चन ऑन ईच आई वॉज लाइक डैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिग्न ये एक मिसाल है अब इसका सवाल बनाया गया है हु वॉज लाइक डैट शिप बिफोर द एजुकेशन बिग्न क्वेश्चन मार्क हु वॉज शी लाइक डैट शिप ये दूसरा अब उसके बाद बी में वन डे आई वॉज प्लेइंग विथ न्यू डॉल इसका आंसर है हु वॉज प्लेइंग विथ न्यू डॉल एंड वॉट वॉज शी प्लेइंग विथ वन डॉ वन डे आई लर्न अर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्स डैट डे इसका आंसर कैसे बनेगा यानी सर क्वेश्चन कैसे बनेगा हु लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्स डैट डे व्हाट डिड शी लर्न डेट डे ये डी है शी ब्रॉट माई हैड इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा हु ब्रॉट माई हैड और वाट डिड शी ब्रिंग ई है वी वॉक डाउन द पार्ट टू द वेल हाउस इसका आंसर कैसा रहेगा यानी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हु वॉक डाउन द पार्ट टू द वेल हाउस एंड वेट डिड दॉ ये एफ है डेट लिविंग वर्ड अवे कैंड माई सोल इसका आंसर कैसा है वॉट अवे कंड हर सोल And what did the living Word do to her? How modern technology can be used to overcome these problems? cancer the a modern technology has greatly helped people who are having such disabilities. Specialized equipment suited for such people are available, and they can be benefited by these hearing aids, specialized wheelchairs.

of his anger one day uh, while i was playing my uh, friend fell down on the road Uske baad D hai, i realized what i had done and for first time i felt my mistake Uske baad e hai, i do not remember what my father had assigned work for me today find the examples of the following words from passage article ए and the कंपाउंड वर्ड्स वेल हाउस मंकी लाइक साउंड लाइक present पार्टिसिपल hurrying beating बीटिंग मेकिंग पास पार्टिसिपल पेनिट्रेटेड and एंड उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदाफिज़